ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई एम अभिलाषा एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। हे गाइज, आज की मेरी वीडियो, मेरी जितनी भी मैंने ऑनलाइन शॉपिंग यानी जितनी भी मैंने आर्टिफिशियल ऑनलाइन ज्वेलरी शॉपिंग की है, वो सभी की कलेक्शन मैं आज आप लोग से इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। सो वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा एंड प्लीज अगर वीडियो मेरा आपको अच्छा लगे तो यार भर भर के लाइक किया करो यार। सो चलिए, मेरे पास कौन कौन सी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है और कौन कौन सी मैंने रिटर्न कर दी है वो तो आपको पता ही चल जाएगा वीडियो देख के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड इस सारी ज्वेलरी में मैंने एक रिसेंटली नई ज्वेलरी भी परचेज की है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, फर्स्ट जो मेरी ज्वेलरी है वो कुछ इस टाइप की है, आप देख सकते हो। गाइज, इस ज्वेलरी की डिटेलिंग के साथ मैं वीडियो बना चुकी हूँ और मैं ऊपर लिंक डाल दूंगी, सो आप वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। इस ज्वेलरी में मुझे दो नेक पीस रिसीव होता है और एक झुमका, जो कि बहुत अच्छा है। ये आपको सिल्क और कोई एथनिक ड्रेस के साथ ये बहुत सूट करेगा और क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। एंड इस ज्वेलरी को मैंने 499 में परचेस किया था, सो 499 के अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छी है। यहाँ पे आपको दो नेक पीस और दो इयररिंग रिसीव हो रही है और एक छोटी और एक बड़ी है, और पीछे आपको ये थ्रेड मिल जाएगा और काफ़ी लाइट वेट है, मतलब पहनने के बाद हैवीनेस नहीं लगेगी। सो 599 के अकॉर्डिंग ये ज्वेलरी बहुत अच्छी है। मैंने इस ज्वेलरी को पहना था, यहाँ पे आपको पिक्चर और वीडियो दोनों दिख जाएगा। सो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ज्वेलरी कैसी लगी। अब चलिए मैं आपको अपनी नेक्स्ट जूड़ी दिखा देती हूँ। गाइज, ये सुखी ब्रांड की है और ये मैंने अमेजोन से परचेस किया था लगभग 350 में। इसका मुझे शिपिंग चार्ज देना पड़ा था और ये ज्वेलरी काफ़ी मस्त लगती है यार पहनने पे। इसके काफ़ी सारे कलर ऑप्शन है, ग्रीन, वाइट, और ये जो कलर है इसका रेड वाला, ये आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा। इसका बाकी जितना भी आप कलर लेते हो ना, थोड़ा वो महंगा पड़ जाएगा, 700 कुछ। फ्रेंड्स, यहाँ पे रिसीव होता है आपको एक चोकर जो कि बहुत प्रीटी है बहुत, और इसकी मैंने वीडियो बना रखी है, ऊपर आपको मैं लिंक दे दूंगी, प्लीज़ आप लोग वहाँ ज़रूर जाके देख लीजिएगा। सो ये भी ज्वेलरी बहुत अच्छी है, किसी की इंगेजमेंट पार्टी वगैरह में ये बहुत प्यारी लगेगी। एंड उसी के साथ मुझे यहाँ पे दो इयररिंग और एक मांगटीका रिसीव होता है, और जैसा मैंने आपको बोला ये 350 मुझे रिसीव हुआ है, तो 350 के अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छी ज्वेलरी है। ज़्यादा प्राइस की भी नहीं है कि आपको ज़्यादा सोचना पड़ेगा। सो आपको कैसी लगी ना, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड नेक्स्ट जो मेरी ज्वेलरी है फ्रेंड्स, ये भी मैंने अमेजोन से परचेस किया है। सो ये भी आपने काफ़ी सारे साइट्स पे देखा होगा, और यार मुझे ये सिर्फ ओनली यानी 299 में रिसीव हो गया ना, मैं बहुत हैप्पी थी इसको लेकर के। लुक एट दिस गाइस, कितनी प्यारी ये नेक पीस है यार। ये किसी भी आउटफिट के साथ, आपको वेस्टर्न और एथनिक किसी भी आउटफिट के साथ ये आपको बहुत ही प्यारी लगेगी। और गाइज, इसकी मैंने अच्छे से वीडियो बना रखी, ऊपर लिंक में डाल दूंगी, प्लीज़ आप लोग चेकआउट ज़रूर करें। एंड इसके साथ हमें रिसीव होता है इसका मांगटीका और इयररिंग दोनों। सो यस, आप देख सकते हो, ये इसका मांगटीका है और ये इसका दो प्यारे प्यारे और बहुत क्यूट से इयररिंग है। Thank you.
एंड गाइज 299 में ये बहुत ऑसम ज्वेलरी, मेरी तो फेवरेट है, जितनी मैंने रखी है ना सारी ज्वेलरी मेरी फेवरेट है और मैं आपको अपनी फेवरेट कलेक्शन ही दिखा रही हूँ। एंड गाइज नेक्स्ट जो मेरी ज्वेलरी है ये मैंने रिसेंटली आपके साथ इसकी रिव्यू शेयर की है, ये मैंने 550 में मंगवाया था अमेजोन से, ये भी है गाइज, ये भी बहुत प्रीटी है यार। जब आपकी इंगेजमेंट हो रही है ना तो आप इस ज्वेलरी को एकदम पहन सकते हो, बहुत ऑसम लगने वाली है। एंड इसी के साथ मुझे यहाँ पे रिसीव होता है मांगटीका और इयररिंग दोनों, और ये ज़रूरी नहीं है आप साड़ी वाड़ी पे भी इसको पहन सकते हो और लहंगे पे तो ये और ऑसम लगने वाली है। ये आप इसका मांगटीका देख सकते हो, बहुत ही प्रीटी है गाइज। एंड गाइज यही उसी के साथ मुझे ये दो इयररिंग भी इसकी रिसीव हुई है जो बहुत ही प्यारी है। एंड गाइज इयररिंग और मांगटीका और नेक पीस जो है वो भी लाइट वेट है, बहुत हैवी नहीं है, सो यस आप परचेस कर सकते हो। अगर परचेस करना चाहते हो तो ये जितनी भी ज्वेलरी मैंने आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना ये सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड सबसे क्यूट सा और बहुत ट्रेंडी सा जो अभी चल रहा है ना वो ये चोकर है, और ये गाइज 250 में ही मुझे फ्लिपकार्ट से मंगवाई थी मैंने, 250 में ही मुझे मिल गई थी, ये आप देख सकते हो। ये चोकर है गाइस, बहुत अच्छा लगता है पहनने पे यार, और बहुत लाइट वेट है, सो 250 में इस टाइप की अगर कोई आपको चोकर कहीं मिल रही है ना तो आप मंगवा सकते हो, बहुत ही अच्छा है। एंड इसी के साथ मुझे इसमें एक मांग टीका जो कि बहुत प्रिटी सा है, छोटू सा और दो इयररिंग मुझे यहाँ रिसीव होती है। तो इयररिंग मांगटीका और चोकर यार 250 में कौन देता है, सो बहुत ही अच्छी डील मुझे मिल गई है। एंड इस चोकर के काफ़ी सारे कलर हैं, मैंने इसे गोल्डन में मंगवाया है, या आपको ग्रीन रेड सारे कलर मिल जाएगी, एंड इसके लंबे वाले भी आते हैं, पता है मुझे उसका नाम नहीं याद है। एंड गाइस जो मेरी नेक्स्ट ज्वेलरी है वो आपने काफ़ी सारे वीडियोज़ में मुझे देखा होगा पहने हुए, एंड ये भी मैंने अमेजोन से मंगवाया था, लुक एट दिस फ्रेंड्स, ये भी गाइज मुझे 350 मिला और बहुत ही प्यारी लगती है पहनने पे, एकदम लाइट वेट है ये। एंड इसी के साथ मांगटीका भी इसका मिलता है, सेम इसी पैटर्न का इसका मांगटीका भी आपको मिल जाएगा, और ये काफ़ी लाइट वेट ज्वेलरी है यार, बहुत ही प्यारी लगी मुझे। और गाइज यहाँ पे रिसीव होता है मुझे दो इयररिंग जो कि बहुत खूबसूरत है, इसे आप सिंगल अपने अनारकली ड्रेस के साथ भी पहन सकते हो, बहुत ही ऑसम लगती है, जैसे मैंने अभी ये कुर्ता पहना है ना इसके साथ भी ये बहुत प्यारी लग रही है ना, सो यस 350 में ये भी बहुत अच्छी ज्वेलरी है। एंड गाइस जो मेरी नेक्स्ट ज्वेलरी है, इस ज्वेलरी की काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो बना रखा था, तो लुक एट दिस फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ये जोधा सेट है और कुंदन डिज़ाइन में है, सो बहुत ही प्रिटी है यार, इसकी इयररिंग दो रिसीव होती है और मांगटीका नहीं मिलेगा इसमें आपको। एंड गाइस इसे भी मैंने 700 या 750 मंगवाया था, एग्जैक्टली अमाउंट मुझे याद नहीं है, बट इसकी प्राइस यार बढ़ी हुई है अभी, सो ऑफर में जब लगे ना तभी इसको बाय करिए। अगर आपकी इंगेजमेंट हो रही है या आपको किसी के शादी में जाना है ना तो यार बनारसी साड़ी के साथ आप इसको पहनो, एकदम कहर ढा दोगे आप पूरे शादी में। सो गाइज ये भी लाइट वेट है, बहुत अच्छी है, और ये फ्लेक्सीबल है यानी आपके गले में भी चुभेगी नहीं और आराम से आ जाएगी।
एंड फ्रेंड्स ये ज्वेलरी आपने नहीं देखा होगा, ये मैंने रिसेंटली बाई किया है, सो मैंने सोचा चलो इसकी भी रिव्यू शेयर की जाए। गाइज ये मैंने फ्लिपकार्ट से बाई किया है। सो स्टार्ट करते पहले इसकी इयररिंग से। गाइज ये भी मेरी ज्वेलरी की सेट है, पहले मैं आपको इसका इयररिंग दिखा देती हूँ, आप नज़दीक से देख सकते हो इयररिंग। गाइज जब मैंने इस ज्वेलरी को देखा था ना फ्लिपकार्ट पे, मुझे बहुत ही प्यारी लगती थी, यानी आप इसका सिंगल से इयररिंग भी पहन सकते हो, बहुत ही प्रीटी लग रही है और इसकी पर्ल की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और थोड़ी सी हैवी है। अगर आप कोई हैवी इयररिंग नहीं पहन सकते हो तो इसे एक दो घंटे के लिए पहन सकते हो यार, इतनी भी ज़्यादा हैवी नहीं है। और नीचे तो ये छोटे छोटे पर्ल लगे हैं ना यार, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है ये। इसे भी मैंने 450 में बाई किया था, इसकी भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज आप जरूर देख सकते हो इस ज्वेलरी को। एंड गाइस इस ज्वेलरी को मैं पहन के जरूर दिखाऊंगी, सो एंड तक वीडियो में बने रहिएगा। एंड नाउ ये है इसका नेक पीस, गाइस लुक एट दिस यार, जब मैंने इसे इमेज में देखा था ना तो मुझे लगा पता नहीं कैसा आएगा, क्योंकि ये एश्योर नहीं था तो मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा था लेने पे और मुझे इसकी शिपिंग चार्ज भी देनी पड़ी थी। तो यार बहुत ही ऑसम आई है, इसकी पर्ल की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और जो इयररिंग में इसका डिज़ाइन है ना, वही बीच बीच में इसका डिज़ाइन दिया हुआ है, सो बहुत अच्छा लगा। मैं बैक साइड से दिखा दे रही हूँ, फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है एंड आपको फिक्स करने के लिए यहाँ पे ये थ्रेड मिल जाता है ताकि आप अपने गले के अकॉर्डिंग से फिक्स कर सको। एंड ज्वेलरी थोड़ी हैवी है, चलिए इसे पहन के आपको दिखा देती हूँ मैं। हे गाइस तो कैसी लग रही है मेरी ये ज्वेलरी आपको? इसे मैंने अपने सिंपल से कुर्ते के साथ पहना तो उसमें बहुत अच्छी लग रही है। सो आप इस चोकर को एथनिक या जो सिंपल टॉप आता है ना शर्ट, उसके साथ भी इसे पहन सकते हो, एक अच्छा लुक दे सकते हो। एंड ये लहंगे और साड़ी के साथ भी ऑसम लगने वाला है यार, इतनी प्यारी इसकी इयररिंग है ना कि इसे आप सिंपल अपने ड्रेस या सूट वगैरह जो हम लोग पहनते हैं उसके साथ भी पहन सकते हैं। एंड गाइस बहुत ही प्यारा ये नेक पीस है, अगर ये आपको परचेस करना है ना तो इसकी लिंक मैं डाल रखी हूँ। ये जितनी मेरी ज्वेलरी की हॉल मैंने आज आप लोग के साथ शेयर की है, प्लीज आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको सबसे अच्छा ज्वेलरी कौन लगा। एंड गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है ना अभी तक, तो प्लीज यार लाइक करने में क्यों कंजूसी कर देते यार आप लोग, प्लीज लाइक किया करो फ्रेंड्स। एंड गाइस अगर आप मेरे चैनल पे अभी नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड साथ ही साथ बेल बटन दबाना एकदम नहीं भूलें। मैं आपको छोड़ के जा रही हूँ अपनी इसी वीडियो के साथ, आप इस वीडियो को एंजॉय करो, मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।